हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू जॉब वीडियो। फ्रेंड्स, एक नया फॉर्म भरा जा रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जिसमें दोस्तों NHSRCL का गठन दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। इस निकाय का उद्देश्य भारत में हाई स्पीड रेल परियोजनाओं का विकास और क्रियान्वयन है। निगम रेल मंत्रालय भारत सरकार और दो राज्य सरकारों गुजरात और महाराष्ट्र की इक्विटी भागीरथी के संयुक्त क्षेत्र में एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV है। दोस्तों, इसमें विभिन्न पद निकले हैं, जिसमें फॉर्म भरने की दोस्तों स्टार्टिंग डेट है 2 मई 2023 और लास्ट डेट है 31 मई 2023। दोस्तों, फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। इसमें जो पद निकले हुए हैं उनकी डिटेल दोस्तों आगे इस प्रकार है। इसमें दोस्तों एक पद निकला हुआ है टेक्नीशियन SNT का, जिसमें दोस्तों पे स्केल है 35,000 से 110,000 और इसमें दोस्तों कुल 8 वैकेंसी है और योग्यता में दोस्तों ITI होना चाहिए अभ्यर्थी के पास, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर अथवा डिप्लोमा हो दोस्तों इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना, डिप्लोमा होना चाहिए और उम्र है दोस्तों 20 वर्ष से 40 वर्ष तक। उम्र की गणना 31 मार्च 2023 के अनुसार उम्र की गणना होगी। दूसरी पोस्ट दोस्तों इसमें निकली है जूनियर इंजीनियर SNT, जिसका पे स्केल 40,000 से 125,000 और इसके भी दोस्तों कुल 8 पोस्ट है। इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए अथवा दोस्तों अभ्यर्थी के पास डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए और इसका ये उम्र है दोस्तों 20 वर्ष से 45 वर्ष तक। उम्र की गणना इसकी भी दोस्तों 31 मार्च 2023 के अनुसार उम्र की गणना होगी। अगली पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर सिविल, जिसका पे स्केल है 50,000 से 1,60,000 और कुल इसमें 11 पोस्टें हैं और योग्यता में दोस्तों डिप्लोमा हो अभ्यर्थी के पास अथवा डिग्री हो और एक पद इसमें निकला है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग का, इसके लिए भी दोस्तों कुल 2 पोस्टें हैं और इसका पे स्केल है 50,000 से 1,60,000, इसके लिए भी दोस्तों योग्यता में अभ्यर्थी के पास डिप्लोमा अथवा डिग्री हो और एक पद निकला है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसर्च का, जिसका पे स्केल है 50,000 से 1,60,000 और कुल पद इसमें 2 हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए MBA से या HR, MSW वगैरह, मास्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट कॉलेज, किसी भी कॉलेज से हो। दोस्तों, अगली पोस्ट निकली है जूनियर मैनेजर सिविल, जिसका पे स्केल है 40,000 से 1,40,000 और कुल पोस्ट इसमें 12 है। इसके लिए योग्यता में डिप्लोमा अथवा डिग्री होनी चाहिए और एक पोस्ट है जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इसका पे स्केल है 40,000 से 1,40,000 और इसमें कुल पद है दोस्तों 21 और योग्यता में दोस्तों डिप्लोमा अथवा डिग्री अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए। उम्र में दोस्तों छूट के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदानों को 5 वर्ष की छूट और OBC कास्ट पिछड़ी जाति को 3 वर्ष की छूट होगी।